हेलो बॉयज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GoPro Hero 7 ब्लैक। और आपको इस व्लॉग में बताता हूँ कि मैंने अपना ये जो व्लॉगिंग वाला कैमरा है वो क्यों चेंज किया है, इसके पीछे क्या वजह है, और जो मेरा प्रीवियस कैम था SJ 8 Air वो किस कैसा था, और इसकी क्वालिटी कैसी है, या ये क्या चीज़ है, और वो इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है बनिस्बत SJ कैम के। तो ये सारे डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में, और आपको कैमरे का ओवरलुक भी दिखाऊंगा कि कैमरा किस तरह का है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून, इन्जॉय द व्लॉग, एंड मेरी वीडियो को स्टार्ट टू एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको जो हैं वो सीखने के लिए मिलेंगी। व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा मैंने क्यों चूज़ किया, मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ इस व्लॉग के अंदर। जो पहले मेरा प्रीवियस SJ कैम था वो इसके, अगर इसके साथ मैं उसका कंपेयर करूँ तो मेरा ख्याल वो उसको मैं रेटिंग के हवाले से 0 रेटिंग दूंगा, क्योंकि उस कैमरे के अंदर वो इतना फ्रेंडली यूज़ कैमरा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हार्श था यूज़ करने में। एक तो वो चाइनीज़ कैम है जो SJ कंपनी है, और सेकेंडली उसमें फ़ीचर्स ना होने के बराबर हैं इसके हिसाब से। तो अगर आप GoPro Hero 4 या 3 को कंपेयर करें SJ कैम के साथ, तो मेरा ख्याल GoPro Hero 3 और 4 वो भी जो है उससे ज़्यादा ही क्वालिटी में और स्पेक्स में बहुत ज़्यादा है SJ कैम की निस्बत। ये बहुत फ्रेंडली यूज़ है। पहले मैं SJ कैम यूज़ कर रहा था तो मुझे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वीडियोज़ के अंदर आप इतना सॉफ्ट टच है इस कैमरे का, आप कोई भी अगर आपने इससे काम लेना है ना, फोटोग्राफी है या वीडियो है, कोई भी चीज़ है, तो आप इस कैम से इजीली वो ले सकते हैं। एक DSLR जो कैम है वो काफ़ी, उसकी बॉडी बड़ी होती है, उसको आप पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपकी 2 फिंगर्स के अंदर, आप इसको देखें, इसको होल्ड किया है मैंने, ये 2 फिंगर्स के अंदर आ जाता है। लेकिन ये ऐसी कमाल चीज़ है कि मैं खुद अपना बजाते खुद बता रहा हूँ कि यूज़ करने के बाद मैं हैरान हो गया हूँ कि इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इसकी मैं अभी आपको इसके अंदर क्या ऑप्शन है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे है, और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है 2.7K का, इसको आप क्लिक करेंगे 2.7K पे चला जाएगा। ये जो 2.7K है ये बेसिकली 1080p से इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो गई है और 4K से कम है। अगर इसको 4K पे क्लिक करें तो ये देखिए 30 फ्रेम पर सेकंड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे 30 फ्रेम पे तो नीचे आपको ऑप्शन आ रही है, इसको आप 60 फ्रेम पे ले जाएँ, 60 फ्रेम पर सेकंड पे आप क्लिक करेंगे तो 60 फ्रेम पर चला जाएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि ये सपोर्ट नहीं करता 4K 60 फ्रेम से ऊपर पर सेकेंड से। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको दोबारा 4K पे क्लिक करके इसको दोबारा जब आप 1080p पे लाएंगे, अब आप इस पे क्लिक करेंगे 60 फ्रेम पर सेकंड पे, तो आप देखें कि ये अब नीचे वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं 120K। इसमें वाइड पोजीशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। प्रो ट्यून, इसको अगर हम ऑन कर लें प्रो ट्यून को, वो कह रहा है टर्न ऑन प्रो ट्यून फॉर मैनुअल कंट्रोल। प्रो ट्यून अगर आप ऑन रखेंगे तो आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो फिर कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक फीचर्स के ऊपर चलेगा वाइड एंगल में। देखिए ये भी जो है ना वो हो गया है, अभी डार्क हो गया है। अब इसके अंदर आ जाइए शटर, शटर इसका ऑटो के ऊपर है, इसको आप 1/120 भी कर सकते हैं। स्पीड इसकी ऑटो वैसे ठीक है कैमरा के अंदर, और ये इसके ऑप्शन हैं। यहाँ से आप इसको देखें, यहाँ पे ये वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन है, ये उसका है
वॉल्यूम का, वॉल्यूम कैमरा की जो बीप है आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ये बीप ऑन हुई है। यहाँ से प्रेफरेंसेस है, इसमें GoPro प्लस है एक, इस ये ऑप्शन को अगर आप खोलें तो उसके अंदर ऑटो अपलोड का, मैनुअल का और नेटवर्क्स का ऑप्शन आता है। ये कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है आपका, या मोबाइल डिवाइस के साथ आप इसको कनेक्ट करना है तो GoPro की एक ऐप है, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें तो उसी, यहाँ ये रिमोट कंट्रोल है, इससे आप चला सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपने इसके साथ कनेक्ट करनी हो। यहाँ पे कैमरा की इन्फॉर्मेशन देगा आपको, बैक आ जाए तो ये जनरल है, जनरल को आप खोलें, बीप का वॉल्यूम आप हाई कर सकते हैं, यहाँ से लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मोड इसका वीडियो है, आप कोई भी डिफ़ॉल्ट मोड सेट कर लें, फिर ये कैमरा जब आप ऑन करेंगे उसी मोड पे आएगा जिसे लूपिंग है। ऑटो पावर ऑफ 30 मिनट आप इनफ है, 15 मिनट में अगर आप कैमरा को नहीं यूज़ करते 15 मिनट्स तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा। अब इसका ये LED है, LED ऑल ऑन है, अगर आप ऑल ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ऑल ऑफ हो गई LED। कोई चीज़ अगर आपने ऑन रखनी है LED की तो वो चलती रहेगी, बाकी LED ऑफ हो जाएगी। वीडियो कंप्रेशन है, इसमें टाइम स्टैम्प है, डेट है, डेट फॉर्मेट है, इस तरह आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बैक आ जाए और इसमें जो सबसे इसकी मज़े की चीज़ है ना वो ये है, GoPro वॉइस कंट्रोल। इसमें मुख्तलिफ कमांड्स हैं GoPro की जो आप यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं आपको उसको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए अभी मैं इसको GoPro को कमांड दूंगा तो ये बड़ा बहुत एक स्मूथली कमांड को एक्सेप्ट करेगा। इसका टच डिस्प्ले है, इसको डिस्प्ले आप कर सकते हैं, इनपुट देख सकते हैं। अब आपको इसके मज़े की चीज़ जो है ना, सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे GoPro की लगी है ना वो मैं आपको उसका दिखाता हूँ। और सेकेंडली इसकी वीडियो क्वालिटी क्या है वो भी चेक करवाता हूँ आपको। तो इसकी साउंड क्वालिटी भी मैंने चेक नहीं की, एक्सटर्नल माइक लगा के इसके साथ ये एक अडाप्टर आता है, ये GoPro का एक्सटर्नल अडाप्टर, ये यहाँ पे लगता है। अगर आप इसको यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे लगता है इस जगह पे, यहाँ पे ये प्लग इन होता है GoPro का अडाप्टर। इस अडाप्टर का ये कमाल है कि इसके अंदर एक तो आप अपनी जो है वो चार्जिंग USB लगा सकते हैं और इसके अंदर एक्सटर्नल माइक्रोफोन लग सकता है। इसके एक्सटर्नल चार्जिंग और एक्सटर्नल जो माइक है वो इसके बगैर नहीं आप यूज़ कर सकते। एंड सेकेंडली ये है कि इसकी जो मेन थिंग ये है कि इसके वॉइस कमांड इतना कमाल है कि मैंने आज तक जितने कैमराज मैंने यूज़ किए हैं किसी भी कैमरा का वॉइस कमांड जो है ना वो इतना कमाल नहीं। इसको आप जो बोलते जाएंगे वो ये करता चला जाएगा। इसके अंदर कमांड्स है और कौन कौन सी कमांड है, आप इसको इंग्लिश में कमांड देंगे उसकी कमांड बोलेंगे जो इसके अंदर उन्होंने फीड की हुई है। ये आगे हम इसके ऊपर देखिए, मैं आपको बड़ी मजे की चीज़ दिखा रहा हूँ, GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये देखिए GoPro ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। यूलेंजी का प्रोटेक्टिव केस है, इस प्रोटेक्टिव केस को मेरे ख्याल से बनाया ही GoPro के लिए गया है। एक्चुअल में जो SD कैम था उसके ये आउटर साइड के ऊपर ये चीज़, जो मैं आपको एक दफ़ा निकाल के दिखा दूँ, SD कैम के ऊपर जो बाहर वाला लेंस है ना उसके ऊपर ये सब प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता, ये GoPro के ऊपर है उसके ऊपर नहीं होता, और ना ही उसके बाहर वाली साइड पर LCD है। जो SJ8 Air था, अब पता नहीं बाद वाले मॉडल्स में शायद हो, मुझे नहीं पता, उसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे को ख़ास पसंद नहीं आई। ये ओपन है, ये इस साइड से भी ओपन है, इस साइड से भी ये ओपन है। अगर आप इसका मॉड चेंज करना चाहें चलाते हुए या कहीं पे भी रुकें तो आपको इस केस में से कैमरा को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको, इसका टच भी अवेलेबल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये 4K कैमरा है, बेसिकली 12 MP के साथ आता है और इसका फ्रेम रेट बहुत अच्छा है, ये 4K 60 फ्रेम तक जो है वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स अगर बैटरी के हवाले से इसकी बात की जाए तो ये वैसे तो इसका टाइमिंग जो है वो 40 से 45 मिनट्स होता है बैटरी टाइमिंग। और दूसरा इसका एक जो इशू है वो बैटरी ड्रेन का है। अक्सर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोज़ देखी हैं GoPro के हवाले से, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप इसका वाईफाई ऑन छोड़ देंगे, इवन आपका कैमरा टर्न ऑफ भी होगा तब भी जो है इसकी बैटरी ड्रेन करेगी।
सबसे जो इसका बैटरी सेव करने का जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो ये है कि आप इसकी बैटरी को जो है ना वो कैमरा से आउट कर लें। अगर आपने इसकी बैटरी ड्रेन होने से बचानी है ना, कि अगर ऑफ भी है आप दोबारा कैम को यूज़ करना चाहें ऑन करके तो इसकी बैटरी ड्रेन ना हो, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो है ना इसकी बैटरी को जो है ना वो कैमरा से आउट कर लें। ये बॉक्स में कोई चीज़ भी नहीं आती। अगर आप न्यू कैम परचेज़ करते हैं ना बॉक्स पैक, तो आप देखें कि उसको खोल के उसको कि उसके अंदर आता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैम होता है, बैटरी सिंगल बैटरी होती है, और साथ मेरा ख्याल शायद चार्जर भी नहीं आता, केबल आती है और बैटरी होती है और साथ में कैम होता है। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आपने इस व्लॉग के अंदर जो इग्नोर करने वाली चीज़ है वो सिर्फ मेरी वॉइस है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम काफ़ी है, इसलिए मेरी आवाज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सही नहीं आ रही होगी वीडियो में। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और टिल देन नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।